आपको एक बात कहूं, अगर आप कहें लॉकडाउन है, मैं कहता हूं लॉकडाउन नहीं है। ये नरेंद्र मोदी जी ने, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी ने हमको जिम्मेदारी मिलती है। सब्जी मिल रही, दूध मिल रहा है, जो भी खाने पाने का सामान है, सब्जी मंडी सब कुछ मिल रहा है। सवाल यह है कि असूल के ऊपर चलने की, सवाल यह नहीं है कि हम अपनी एक टोली बना के निकल जाएं, सवाल यह नहीं है कि हम लोगों में जाके चाय पीना शुरू कर दें। ज्यादातर लोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जरूर ऐसे हैं, खास करके नमाज के नाम पर, खास करके धार्मिक आजादी के नाम पर अभी भी एकत्र हो रहे हैं। एक बात मेरी बात समझ लीजिए, मैं सबको कहना चाहूंगा, आपने देखा कि गुरुद्वारा साहब बंद हो गए, कभी जिंदगी में बंद नहीं हुए। सब मंदिर बंद है, गुरुद्वारे बंद है, लेकिन मस्जिद नहीं बंद कर रहे हैं। मैं बताऊं गुरुद्वारा साहब में क्या चल रहा, लंगर किसके लिए, गरीबों के लिए, बेसहारा के लिए, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, आम लोग और समाज के लोग, हिंदू समाज के लोग, सब समाज के लोग अपने घरों से कनक लेके, आटा लेके, चावल लेके, मेरे कई फोन आते हैं, सबको बांट रहे हैं। मुझे एक चीज बताइए, ये मस्जिद जो है, हम मस्जिद का सम्मान करते हैं, हम अजमेर शरीफ के आगे सिर झुकाते हैं, क्या आज हमारे हिंदुस्तान के मौलाना साहब की जिम्मेदारी नहीं बनती कि अगर गुरुद्वारा साहब, अगर मंदिर बंद हो गए, कि आप खोल के ऐलान कीजिए कि ये मानव बम है। जनाब, मानव बम से भी कुछ लोग मर जाते हैं, पर ये जो है ना, मानव बम से ज्यादा खतरनाक है, ये ह्यूमन बम है, पूरे देश के कोने कोने में, दुनिया में फैल चुकी है, फैल जाएगी। आप मुझे बताइए, इटली से एक सरदार साहब आए थे पंजाब में, एक गांव में, गांव के गांव तबाह कर दिए। एक ईरान से लड़की आई दिल्ली के अंदर, कितने कोरोना के ऐसे लोग हो गए। और अगर आप ऐसे लोग इकट्ठे होके मस्जिदों के अंदर ऐसा करेंगे, तो आप किसके साथ धोखा कर रहे हैं? आप राष्ट्र के साथ धोखा कर रहे हैं, आप अपनी कौम के साथ धोखा कर रहे हैं, आप वो अल्लाह जी के ऊपर धोखा कर रहे हैं, आप गुरु महाराज के साथ धोखा कर रहे हैं। आप जिम्मेदारी कैसे उठाएंगे? क्या हर जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी उठाएगा? क्या हर जिम्मेदारी देश की पुलिस उठाएगी? क्या हर जिम्मेदारी डॉक्टर साहब उठाएंगे? क्या हर जिम्मेदारी सफाई सेवक जो मातृभूमि को साफ करता है कि कोरोना ना फैले, मास्क के बगैर सड़कों पर सफाई करता है, क्या वो उठाएगा? क्या हम क्या खाएंगे रोटियां? हम क्या लेंगे मजे? हम रहेंगे बड़ी बड़ी गाड़ियों में, हम बड़े बड़े घरों में रहेंगे, और वो लोग डॉक्टर, वो पुलिस वाले और वो सफाई सेवक, वो क्या कर रहे हैं? हमें आजादी मिली जनाब, भगत सिंह जी ने आजादी लेके दी, काला पानी के उन जाबाजों ने, सवारकर जी ने और जाबाजों ने हमें आजादी लेके दी। और आजादी के बाद हम क्या चाहते हैं? 21 दिन, अगर 21 दिन के भी आगे, मैं कहता हूँ एक महीना और बढ़ता है तो बढ़ा दिया जाए। हाँ, हालांकि नहीं बढ़ेगा ना, उसकी आवश्यकता है, क्योंकि ऐसा सुनने से शायद कुछ लोगों में भय पैदा होगा। इसलिए मैं कह दूं कि आज कैबिनेट सेक्रेटरी ने कहा है कि इसको बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। साथ साथ में मैं दर्शकों को यह भी बता दूं कि यूके में अब लॉकडाउन हटाने के लिए वहां की हेल्थ एडवाइजरी ने कहा है कि अब उतना भय नहीं है, जरूरत नहीं है, इसको कम किया जा सकता है। और मुझे भी लगता है कि हो सकता है कि 21 दिन को भी कम किया जाए, क्योंकि अभी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज को खोल दिया है भारत सरकार। अब धीरे धीरे अन्य जगह पर भी रिव्यू कर रही है, और कहां पर क्या, जैसे सब्जी मंडी वगैरह इस सुविधा को, या जीवन आवश्यक वस्तुओं की जो सुविधा है उनको भी खोल दिया गया है। बिट्टा जी जो कह रहे हैं, और भी समय लगे तो हम तैयार है, ये उनका कमिटमेंट है, ये उनकी भारत के प्रति समर्पण है, लेकिन कहीं ये सुन के किसी को गलत संदेश न जाए, इसलिए मैंने इसका स्पष्टीकरण दिया। बिट्टा जी, मैं आपको एक बात कहूं, अगर आप कहें लॉकडाउन है, मैं कहता हूं लॉकडाउन नहीं है। ये नरेंद्र मोदी जी ने, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी ने हमको जिम्मेदारी मिलती है। सब्जी मिल रही, दूध मिल रहा है, जो भी खाने पाने का सामान है, सब्जी मंडी सब कुछ मिल रहा है। सवाल यह है कि असूल के ऊपर चलने की, सवाल यह नहीं है कि हम अपनी एक टोली बना के निकल जाएं, सवाल यह नहीं है कि हम लोगों में जाके चाय पीना शुरू कर दें, सवाल यह है हम कहीं भी जा सकते हैं अन्न के लिए, घर के लिए, बच्चों के लिए दूध लाने के लिए, पर तमाशबीनी करने के लिए नहीं, राजनीति करने के लिए नहीं। सामान बांटो और फोटो खिंचाओ, सामान बांटो और फोटो खिंचाओ। इस वक्त मीडिया पॉलिटिक्स का टाइम नहीं है, इस वक्त टाइम है डॉक्टरों को दिखाने का, जो मौत का कफन बांध करके अपने परिवार को छोड़ के निकले हैं। इस वक्त है वो सड़कों पे मातृभूमि को सफाई करने वाले मेरे भाइयों का, जो मौत का कफन बांध करके मास्क के बगैर सफाई कर रहे हैं। इस वक्त है उन पुलिस जवानों का, जहां महाराष्ट्र के अंदर उनको पीटा जा रहा है, पुलिस के जवानों को जो रोकते हैं
और महाराष्ट्र में उनको पीटा जा रहा है। क्यों पीटा जा रहा है पुलिस वालों को? वो तो कहते भी हम तो आपकी रक्षा के लिए आए हैं, ये कर्फ्यू नहीं है, ये तो हम आपकी मानवता की रक्षा के लिए आए। उनके गले में पड़ जाते हैं कुछ लोग, ऐसा क्यों हो रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल। कई मस्जिदों में विदेशी नागरिक पाए गए और वो पॉजिटिव भी पाए गए। पटना के मस्जिद में तो चाइना से आए हुए ऐसे लोग जिनकी सरकार को जानकारी नहीं दी गई, बाद में कहीं से पता चला तो पकड़ा गया, तो पता चला कि वो भी पॉजिटिव है। देखो एक बात मैं स्पष्ट कहूँ, ये जो चाइना बाग कहते हैं, चाइना बाग में शोर मचाते थे। हाँ, मुद्दा क्या था? मुद्दा तो यही था, मुद्दा तो पॉपुलेशन था ना, मुद्दा तो यही था। ये हिंदुस्तान चौहान साहब धर्मशाला नहीं है कि आप पाकिस्तान से आ जाओ, आप बांग्लादेश से आ जाओ, आप श्रीलंका से आ जाओ, आप कहीं अफगानिस्तान से आ जाओ और आकर के यहाँ पे आप पूरा अपने राशन कार्ड बना के, अपना आईडी प्रूफ बना करके हिंदुस्तान को धर्मशाला बना के, आपका हक, मेरा हक, हिंदुस्तान में रहने वाले हर मुसलमान का हक, हर सिख हर हिंदू का हक आप छीन करके पाकिस्तान के लोग, अफगानिस्तान के लोग आके कब्जा करेंगे क्या? क्या आज हिंदुस्तान में ऐसा धर्मशाला बना देंगे? कब्जा ऐसा नहीं होने देंगे। हिंदुस्तान में रहने वाला हर मुसलमान, हर हिंदू, हर सिख, हर ईसाई जिसने जन्म लिया है हिंदुस्तान, उसका हक है। पर विदेशों से आकर के जैसे आपने बताया गलत तरीके से कब्जा करने वाले का हिंदुस्तान हक नहीं होने देंगे। इसलिए हम कहना चाहते हैं पॉपुलेशन कंट्रोल करने का जमाना आ चुका, वक्त आ चुका है। अब क्यों इतनी समस्या आ रही है? ये क्यों आ रही है? क्योंकि पॉपुलेशन पे कंट्रोल नहीं। ये तो शुक्र करो चौहान साहब, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री भोले शंकर गुरु महाराज की कृपा ने हमको दे दिया। छोड़िए बीजेपी के, हमें कोई लेना देना नहीं बीजेपी से, हमें कोई लेना देना नहीं, हमें इस राष्ट्र से लेना देना है। शुक्र करो हमें प्रधानमंत्री जी मिल गए, नरेंद्र मोदी जी, जिनकी लाख लोग बात मानते हैं और लोग घरों में बैठे हैं। फर्ज करो खुदा ना खासा कोई और प्रधानमंत्री होता तो क्या ये हालात होते? मेरी बात सुनिए, मक्खियों की तरह आपने देखा नहीं ईरान के अंदर मक्खियों की तरह लोग सड़कों पे जाते मर रहे, मक्खी मच्छर की तरह। जनाब भगवान कृपा करे, हम हंकार ना करे, भगवान कृपा करे, अगर सारा ठीक ठाक हुआ तो दुनिया के इतिहास में लिखा जाएगा कि हिंदुस्तान ने कैसे कंट्रोल किया। कृपा भगवान की चाहिए, हम अभी कहना नहीं चाहेंगे, भगवान की कीजिए, इतिहास होगा। क्यों? कि हमें ऐसा एक प्रधानमंत्री जी मिले जिन्होंने असूलों के ऊपर चलने के, रात को पता है क्या सोते हैं वो? ना वो सोए थे 370 धारा के टाइम पे, ना वो सोए थे सर्जिकल स्ट्राइक के टाइम पे, या पाकिस्तान के चने चबा, ना वो आज सोते हैं। किसके लिए? राष्ट्र के लिए, लोगों के लिए, हिंदू के लिए, मुसलमान के लिए, सिख के लिए, ईसाई के लिए। आज इसलिए तो कंट्रोल हो रहा है ना, स्टेट गवर्नमेंट सब मिलकर के, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट काम कर रही है। दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी है, हम क्यों बुरा कहें? काम कर रहे हैं तो कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलकर उनकी पॉलिसी के ऊपर काम कर रहे हैं तो कर रहे हैं। आप पंजाब के अंदर कैप्टन अमरिंदर सिंह है, काम कर रहे हैं तो कर रहे हैं। आप पंजाब में आके देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कंट्रोल किया, वहां की पुलिस ने कंट्रोल किया है। कमियां हैं, लोगों तक राशन पहुंचाने के लिए गरीब आदमी की बहुत बड़ी समस्या है। चौहान साहब आपने कई लोगों की जिंदगियां बचाई, मुझे कल किसी ने बताया, कई लोग मरने वाले थे, सुसाइड करने वाले थे, आपने उनको पैसा भी दिया, आपने उनको रोटी पानी का भी किया, आपने उनको सुदर्शन चैनल ने उनको उठाया अभी तो हर आदमी। बिल्कुल बेटा जी, हमने इसके लिए पहले से ही सुदर्शन रिलीफ फंड नाम का एक एनजीओ बना के रखा है, उत्तराखंड के समय बनाया था। कहीं पर भी आपदा आती है तो सरकार के पहले हम पहुंचे, या हमारा संकल्प है और हम वो करते हैं।